आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपने ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल रूम हीटर बनाना है। यानी कि एक ऐसा हीटर होगा कि जो रूम के टेम्परेचर फेस का आप टेम्परेचर सेट करेंगे, जो ही वो टेम्परेचर उससे कम होगा वो खुद बहुत जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, और जब उससे ज़्यादा होगा स्पेसिफिक वैल्यू से तो वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो चलें सबसे पहले सर्किट बना लेते हैं। मैं कंपोनेंट उठाता हूँ, और सबसे पहले हमें एक आर्डिनो ऊनो चाहिए। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको चाहिए एक हीटर चाहिए। ठीक है, तो हीटर लिख दें आप। हीट लिखेंगे तो एक यहाँ पर एक हीटेड ओवन आ जाता है। ठीक है, ये हीटर है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे आ जाएगा। उसके बाद आपको एक एसी पावर से सप्लाई चाहिए तो अल्टरनेटर लिख दें, और अल्टरनेटर पे डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे जो आपके पास ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको रिले चाहिए इसको ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, रिले के बाद आप कुछ रिले को डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको टेम्परेचर सेंसर चाहिए, तो टेम्परेचर सेंसर आप LM35 जो है वो टेम्परेचर सेंसर उठा सकते हैं। ठीक है, डबल क्लिक करें आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहले सर्किट बना लें। सर्किट में सबसे पहले आप आर्डिनो को रखें, उसके बाद आप LM35 लगाएं, और इसको जो है पावर वगैरह दे दें। ठीक है, इसको भी पावर दे दें, आर्डिनो को भी पावर दे दें, और जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है फिलहाल वहाँ वहाँ दे दें। ठीक है, ग्राउंड भी दे दें, आर्डिनो को भी ग्राउंड दे दें। और ये तकरीबन एड हो गया, इसको मैं इन आठ से कनेक्ट कर देता हूँ। और कनेक्ट करने के बाद अब हमें हीटर वगैरह बनाना है, तो रिले सबसे पहले आप ऐड कर दें, और मैं रिले को जो है ग्राउंड दे देता हूँ। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसको 5 वोल्ट कर दें। ठीक है, रिले जो है 5 वोल्ट रिले ही हम कंट्रोल करेंगे आर्डिनो से। इसको 12 नंबर पिन से कनेक्ट करेंगे आप, और उसके बाद जो है 12 नंबर से कर दें, या 13 नंबर से, सॉरी कर दें। ठीक है, 13 नंबर से मैंने किया, इसको वापस डिलीट कर दें, 13 नंबर से कनेक्ट कर दें। ठीक है, 12 से भी किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन कोडिंग में मैंने 13 लिखा है तो इसलिए मैंने वापस 13 ही लिख दिया। ठीक है, आप ऑन उठाएं, और इसको मैं अगर ऊपर ले जाऊं तो बेहतर रहेगा। हीटर आप उठाएं, हीटर मैंने उठाया, इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दें एक टर्मिनल, और दूसरा टर्मिनल जो है वो आप अल्टरनेटर लगाएं, और उसके साथ आपने कनेक्ट कर देना है। ठीक है, इसको आप यहाँ पर कनेक्ट कर दें, और यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दें। ठीक है, याद रहे इसको ग्राउंड ज़रूर करें, अदरवाइज ये मसला कर सकता है। तो किसी भी फॉल्ट से, मसले से बचने के लिए बेहतर ये कि इसको ग्राउंड किया जाए। अब ये आपका ठीक हो गया सब। हमने इस तरह करना है कि ये नॉर्मली अभी 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, मैंने एक वैल्यू रखनी है कि जो ही ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा, यानी रूम टेम्परेचर आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, यानी सर्दी है, तो ऑटोमेटिकली आपका हीटर ऑन होना चाहिए। जैसे ही ये इंक्रीज़ कर जाए तो ये ऑफ होना चाहिए। ठीक है, तो कोड मैंने ऑलरेडी लिख दिया है ताकि टाइम की बचत रहे। सबसे पहले आप जो हीटर पे या रिले पिन है वो मैंने एज आउटपुट यूज़ किया 13 नंबर। उसके बाद मैंने एक सेंसर डेटा सेव किया एनालॉग रीड NR से, यानी सेंसर डेटा यहाँ से जो LM35 से डेटा आ रहा है उसको मैंने सेंसर डेटा में सेव कर दिया। उसके बाद उसको टेम्परेचर में कन्वर्ट करने का ये फार्मूला है कि सेंसर डेटा मल्टीप्लाई बाई 500 डिवाइड बाई 1023, तो ये डिग्री सेल्सियस में आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा। उसके बाद हमने लगाना है चेक कि अगर इफ़ टेम्परेचर इज लेस देन 15 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या करें, हीटर को ऑन कर दें, एल्स अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो हीटर को ऑफ कर दें। तो इसको मैं रन करता हूँ, और रन जो ही कंप्लीट हो जाता है कंपाइलेशन, तो इसको आप इसका हेक्स फाइल जो है वो ढूंढ कर वहाँ की एड्रेस कॉपी कर लें, कंट्रोल सी प्रेस कर दें। कंट्रोल सी प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, एडिट प्रॉपर्टीज में जाएं, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें। कोई अवेयर वैल्यू है तो उसको आप पहले ख़त्म कर दें, उसके बाद दोबारा रन करें। ठीक है, और अब जो है ना मैंने इसको रन करना है, तो आप देख सकते हैं कि हीटर आपके पास फिलहाल बंद पड़ा है और 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमने यहाँ पर रेंज या थ्रीशोल्ड जो दिया वो थ्रीशोल्ड हमने रखा है इसको 15 डिग्री सेंटीग्रेड। देख सकते हैं आप 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा, यानी 15 भी होगा तभी ऑन नहीं होगा, 15 से कम पे ऑन होगा। ठीक है, तो मैं इसको इंक्रीज डिक्रीज करता जाऊँ, आप देख सकते हैं आराम आराम से, ये आप कोई भी आपको मूवमेंट नहीं दिख रही। ठीक है, 15 तक इसको ले आए, देखिए 15 मैंने कर दिया है, लेकिन अभी भी इसको कोई भी आप इसकी मूवमेंट नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं मज़ीद अगर करीब कर लूँ ताकि क्लियरली चीज़ें समझ आए आपको, मैं मज़ीद इसको थोड़ा सा
जूम कर देता हूँ, ये आप देख सकते हैं ठीक है। अब मैं इसको मज़ीद जो ही कम करूँगा आपका हीटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, यानी मैं इसको 14 करता हूँ तो आपका देख सकते हैं आपका हीटर ऑन हो गया, और जो ही मैं मज़ीद कम करता हूँ तो ये ऑन ही रहेगा ठीक है। देख सकते हैं आप 5, 4, 3 ठीक है ना, आप देख सकते हैं। लेकिन जो ही ये वापस 15 से अबव होगा, देख सकते हैं आप ये ऑन है अभी भी, रिले आप देख सकते हैं। और जो ही मैं इसको देखे 14 या 15 जैसे करता हूँ या उसे इंक्रीज़ करता हूँ, आप देख सकते हैं ये अब ऑफ रहेगा ठीक है। जितना भी आप इसको इंक्रीज़ करते जाएँ ये ऑफ ही रहेगा ठीक है, और ऑन तब होगा जब ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा। आप इसको चेंज कर सकते हैं, 15 की बजाय आप इसको अगर 20 कर दें कि जी 20 से जून कम होगा, ये ऑन होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसके बाद जो है जैसे ही डन हो जाता है उसके बाद 20 पे ये काम करेगा ठीक है। अब इसको मैं 20 मैंने रख दिया, तो ये स्टॉप करें, दोबारा रन करें। अभी जो है ना इसको मैं अगर माइनस की तरफ मतलब रिवर्स की तरफ आओ, ये 20 पे जैसे ही 20 से कम होगा, 20 तक ठीक है, 20 से जैसे कम होगा देख सकते हैं आपका हीटर ऑन हो गया ठीक है। पहले 15 पे था, अब मैंने 20 पर लगा दिया, और मतलब कम होगा तो ऑन रहेगा, और जो ही ये 20 या 20 से इंक्रीज़ कर जाए, जिससे जैसे ही 20 होगा बंद हो जाएगा या उससे ज़्यादा होगा तो खुद ब खुद ये बंद हो जाएगा। अगर ये जो सर्किट डायग्राम है और जो कोड है वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपना भी बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपसे को ज़रा बराबर भी आपको फ़ायदा हासिल हुआ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।